जब डीसी साहब ने बताया था उन्होंने बोला था एक महीने के लिए, हाँ बिल्कुल, डीसी साहब ने फोन किया था कि एक महीना लगेगा इंश्योरेंस क्लोज करने में, वो तो चुपचाप से बैठे हुए थोड़े दिन के लिए तो के पास आए, हमारे सरपंच साहिबान भी थे हमारे साथ और यहाँ की पब्लिक भी है, हमें उनसे मिले और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जो ये लाइट की समस्या है 2-3 दिन में हम इसका हल निकालेंगे। कल हमारे डीसी साहब से भी इसकी मीटिंग हुई थी, उन्होंने बोला हमने उनको लेटर किया हुआ आगे, तो वो 2-3 दिन में आपको ये लाइट का कर देंगे। और अब हमारे जो चीफ इंजीनियर, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अब आपकी 2-3 दिन में लाइट का मसला हल हो जाएगा। और जो ये बार बार कट ऑफ हो रहा है जो ओवरलोड की वजह से, तो थोड़ी सी हमारी आवाम को राहत मिलेगी इससे। हाँ जी, हम ये बात एलजी साहब से करेंगे, जब भी हमारा प्लान बनेंगे तो हम सबसे पहले प्रायोरिटी बेस पे इसको रखेंगे कि यहाँ पे ट्रांसफार्म हो, जब भी कभी हमें कोई प्रॉब्लम आए तो इससे हम यहाँ से हमें इसका मसला हल हो सकता है यहाँ से। अगर ये 1-2 दिन में कुछ फैसला नहीं लेते हैं या अगर नहीं होता तो हमारी पूरी जो ये पंचायत के लोग हैं सारे लोग रोड पे आएंगे और फिर इनको देखना होगा आगे कि इनका क्या होगा आगे। 33 KV बटोत से आती है तो वो डैमेज हुई है, तो वो ये चाहते थे कि हमें इधर चंद्रकोट से पावर मिले, मगर इधर हमें कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं कि हम इनको पावर चंद्रकोट से नहीं दे सकते हैं। चंद्रकोट में एक ही ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिस पर हमारे पावर हाउस की एक्सिलरी चल रही है, और अगर ट्रांसफार्मर में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें हमारी पावर हाउस की एक्सिलरी में प्रॉब्लम हो जाएगी तो जनरेशन अफेक्ट हो जाती है, इसलिए हम चंद्रकोट से पावर इनको नहीं दे सकते हैं। इनको हमारी एक धरमूड लाइन है उसमें 2 स्पैन तार जो है डैमेज है, उसको हम रेस्टोर करके बटोत से इनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, 3-4 दिन उसमें लग जाएंगे तो इनको बटोत से पावर अल्टरनेट रूट से दे देंगे। नहीं, इसमें ऐसा है कि अगर चंद्रकोट ग्रिड से हम पावर देने के लिए हमारे पास अगर स्कोप होता तो हम इमीडिएटली इनको पावर दे देते हैं, हमारे पास तो इस पर एक्सिलरी चल रही है इसलिए हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं पावर हाउस पर।